आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 18 की एक्सरसाइज एटीन बी और एक्सरसाइज एटीन बी के क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ ये ठीक है ना इन अ हॉस्पिटल द एज ऑफ डायबिटिक पेशेंट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो फाइंड द मीडियन एज हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है और मीडियन का जो फॉमूला होगा ना वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर एट पे ठीक है यहाँ पर ये मीडियन का फॉर्मूला है इसको रट जरूर लेना चलो अच्छा यहाँ पर डेटा दे दिया इस डेटा की हेल्प से मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं उसको एक बार ध्यान से देख लो यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया था इस डेटा की हेल्प से हमने यहाँ पर टेबल बना दी जो कि आप देख पा रहे हो इस टेबल को हमने कैसे बनाया ना इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूले को समझना पड़ेगा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है एम इक्वल टू मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एच इन टू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ये फॉर्मूला दिया इसमें एल क्या होता है एच क्या है एन बाई टू क्या है एफ क्या है सी एफ क्या है ये हमें पता लगाना है अच्छा यहाँ पर देखो सी दिख रहा है सी मतलब वो कम्पिटिव फ्रिक्वेंसी होता है और इसका एक हमने कॉलम भी बना दिया है जिसका नाम रख दिया है सी हम लोग सबसे पहले सी फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करना ना बहुत ही आसान होता है कुछ करने की जरूरत नहीं फ्रिक्वेंसी में आपको सबसे पहली जो फ्रिक्वेंसी दिख रही है ना उसको यहाँ पर ऐसे ही लिख दो ठीक है अब इसको इसमें ऐड कर दो कितना आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव यहाँ पर ट्वेंटी फाइव लिख दिया अब इसको इसमें ऐड कर दो यहाँ पर आ जाएगा सिक्सटी फ़ाइव सिक्सटी फाइव कर दिया अब इसको इसमें ऐड कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 115 115 कर दिया इसको इसमें कर दो 140 आ गया ये आ गया हमारे पास ये बन गई हमारी सी एफ इतनी बात क्लियर समझ में आ गया अब यहाँ पर हर एक चीज़ को आराम से फाइंड करते हैं सबसे पहले देखो यहाँ पर एन बाई टू दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है एन बाई टू ये एन बाई टू कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा कि ये एन क्या है एन क्या होता है हमें ये पता लगाना है ना बहुत सिंपल है देखो सी एफ़ का जो लास्ट वाला हमारे पास आता है ना यही हो जाता है हमारा एन जो कि होगा वन हंड्रेड फोर्टी क्या है वन हंड्रेड फोर्टी अब इधर लिख दो वन हंड्रेड फोर्टी बाई टू कर दो क्या आ गया एन बाई टू हमारे पास सेवेंटी सेवेंटी हमें मिल चुका है अब देखो ये ये सेवेंटी है ना ये किस में आएगा सी एफ में किस जगह पर आएगा फाइव में आएगा फाइव तो बहुत छोटा है हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें सेवेंटी आता हो जिसमें सेवेंटी लाइ करता हो हमें ऐसा सी में नंबर देखना है हमने देखा फाइव बहुत छोटा है सेवेंटी से ट्वेंटी फाइव भी छोटा है सिक्सटी फाइव भी छोटा है वन हंड्रेड फिफ्टीन हमने चेक किया तो हमने पाया कि वन हंड्रेड जो फिफ्टीन है ना ये हमारा जो सेवनटी है ये इसके अंदर आ जाएगा आ जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टीन ठीक है तो इसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे सी समझ रहे हो जहाँ पर हमारे पास एन बाई आएगा है ना एन बाई क्या है हमारे पास सेवेंटी उसके ऊपर वाली वैल्यू हमारी सी हो जाएगी इतनी बात क्लियर हो गई अब देखो 70 हमारा कहां पर लाई कर रहा था 115 में इसके सामने वाली जो फ्रिक्वेंसी हमें देख रही इसको बोलेंगे हम लोग एफ़ क्या बोलेंगे हम लोग इसको एफ़ बोलेंगे और इसके सामने जो क्लास दिख रही ये देखो लोअर लिमिट है ये हमारे पास अपर लिमिट है ये लोअर है ये अपर है तो यहाँ पर लोअर मतलब क्या हो रहा है एल और एल यहाँ पर क्या लिखा है ये है ना एल तो हमें यहाँ पर एल भी मिल चुका है जो कि है फोर्टी हमने क्या देखा है एल भी हमने फाइंड कर लिया एल भी फाइंड कर लिया एन बाई टू भी हमने फाइंड कर लिया सी एफ़ भी हमने फाइंड कर लिया एफ भी हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर लिख देते हैं एफ़ जो कि हमारे पास फिफ्टी अब बचा क्या है सिर्फ एच एच मतलब क्या होता है कि आज के बीच का डिफरेंस कितना है पंद्रह है इसका क्या है पंद्रह है इनका भी पंद्रह सभी का पंद्रह पंद्रह है तो हमारे पास जो एच है ना ये भी हमें मिल गया फिफ्टीन अब इस वैल्यू को उठाना है फॉर्मूले में खुद कर देना है आंसर आ जाएगा देखो कैसे हमें मीडियन निकालना है एम इक्वल टू हो जाएगा एल जो कि हमारे पास फोर्टी फाइव प्लस यहां पर हो गया हमारे पास एच फिफ्टीन और यहां पर हो जाएगा इनटू टू एन बाई टू हमारे पास सेवेंटी है यहां पर कर दिया सेवेंटी माइनस सी एफ सी एफ हमने बताया सिक्सटी फाइव है यहां पर सिक्सटी फाइव कर दिया डिवाइड में हमारे पास एफ एफ हमने बताया फिफ्टी है यहां पर कर दिया फिफ्टी गॉट इट इतनी बात समझ में आ गया ना चलो अब यहाँ पर कर दिया हमने फोर्टी फाइव इसको कैंसिल करेंगे फाइव थ्री ज़्या और फाइव से करेंगे टेन ज़ा चला जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर फाइव फाइव थ्री ज़्या हो जाएगा फिफ्टीन या फिर इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा फाइव मिल जाएगा है ना अब फाइव से इसे कैंसिल कर देंगे टू तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस में थ्री बाई टू हमको यहाँ पर मिल गया इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फोर्टी फाइव आएगा थ्री को इसको डिवाइड कर दो तो टू से तो टू वन जीरो टू ठीक है वन आ गया पॉइंट यहाँ पर आ गया फाइव इसको सॉल्व कर दोगे तो फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव यह आ गया हमारे पास इसका मीडियन हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का हमारा सजेशन समझ में आ गया है ना कितना सिंपल चलो अब आ जाओ इसी के क्वेश्चन नंबर टू पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में हमें फिर से डेटा दे दिया गया कहा जा रहा है इस डेटा की हेल्प से आप मीडियन फाइंड करो क्या फ़ाइंड करोगे मीडियन फाइंड करोगे और मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं चलो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम इक्वल्स टू एल है ना यहाँ पर हो गया प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास एच इन टू यहाँ पर हो गया एन बाई टू माइनस सी एफ और यहाँ पर हो गया हमारे पास डिवाइड में एफ बस ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला इतनी बात क्लियर है अब सबसे पहले ना हमें क्या करना होता है जब भी मीडियन फाइंड करना है सबसे पहले सी एफ को फाइंड करते हैं कैसे ऊपर जो भी फ्रिक्वेंसी लिखी उसे लिख दिया अब इसका इसके साथ ऐड कितना हो गया चार तीन सात हो गया सेवन सेवन क्या हो जाएगा फोर्टीन यहाँ पर आ जाएगा फोर्टीन और इलेवन हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव यहाँ पर हो गया ट्वेंटी फाइव और प्लस जीरो कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव ही आ जाएगा है ना जीरो है हाँ ज़ीरो है अब देखो ट्वेंटी फाइव और सिक्सटीन कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वन और टू थ्री फोर फोर्टी वन आ गया और यहाँ पर नाइन कर देंगे फिफ्टी आ गया ये आ गया हमारे पास फिफ्टी अब हमने क्या बताया था जो सी एफ का लास्ट वाला सी एफ होगा ना जो लास्ट में होगा इसको हम लोग बोलते हैं एन क्या है हमारे पास एन हमें क्या फाइंड करना है एन बाई टू फाइंड करना है तो एन बाई टू लिख दिया यहाँ पर आ गया फिफ्टी फिफ्टी बाई टू ये हो गया ट्वेंटी फाइव इतनी बात क्लियर हो गई अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि ट्वेंटी फाइव है ये हमारा ट्वेंटी फाइव कहाँ पर लाई करेगा हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो ट्वेंटी फाइव है एक ट्वेंटी फाइव ये है दूसरा हमारे पास 25 ये है अब इन दोनों में से किस वाले 25 को हम लोग देख लेते हैं देखो यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वेंटी पहले वाले ना इसी को हम लोग मान लेते हैं ये हो गया ट्वेंटी अब इसके सामने जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी गई है इसको बोल देंगे ये हमारे पास क्या है एफ़ है और इसके सामने जो क्लास आपको देख रहे हैं ये वाले इसमें लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास 21 लोअर क्लास ये हो गई अपर क्लास तो देखना ध्यान से यहाँ पर हमने एफ़ का पता लगा लिया जो कि है इलेवन ठीक है और हमने देखा कि एल हमें मिल चुका है लोअर क्लासों की है ट्वेंटी वन अब अच्छा हमने क्या बताया था कि जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसके ऊपर जो नंबर होगा वो हमारा सी एफ होता है ये हो गया हमारे पास सी एफ तो ये हो गया सी एफ हमें कितना मिल गया है फोर्टीन ये सी एफ भी मिल गया एफ भी मिल गया एल भी मिल गया अब बचा क्या एच एच हमें फाइंड करना है तो एच मतलब होता है इन क्लास के बीच का डिफरेंस कितना कितना दिख रहा है सेवन सेवन का दिख रहा है तो ये हो गया हमारे पास सेवन बस हो गया हमारा काम अब हमें करने क्या है इस वैल्यू को उठाना है और इसमें पुट कर देना हमें आंसर मिल जाएगा तो हमने यहां लिखा एम इक्वल्स टू एल एल हमारे पास है ट्वेंटी H. H हमारे पास सेवन एन टू एन बाई टू हमें कितना मिला ट्वेंटी फाइव यहां पर ट्वेंटी फाइव माइनस सी एफ सी एफ भी हमारे पास कितना है ट्वेंटी फाइव है नहीं फोर्टीन है सी एफ हमारे पास है फोर्टीन ये है डिवाइड बाई हमने कर दिया यहाँ पर एफ जो कि है इलेवन चलो इसको में आ जाओ यहाँ पर लेगा ट्वेंटी वन यहां पर हो गया सेवन इन टू इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्स फाइव और ये हो गया हमारे पास इलेवन इलेवन से इलेवन चला गया बचा सेवन यहाँ पर प्लस सेवन प्लस ट्वेंटी वन कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी एट तो हमारा जो मीडियन है ना वो कितना आ गया ट्वेंटी एट आ गया देखो तो इस क्वेश्चन में ना आपको बस ध्यान क्या रखना है वैल्यू को कैसे निकालना है ये ध्यान रख रहा और कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में तो क्वेश्चन टू हो गया अब थ्री में आ जाओ प्रैक्टिस करते रहोगे ना पाँच दस क्वेश्चन अपने मन से लगा लिए तो भैया आराम से नंबर छाप दो चलो अब इसमें आ जाओ सबसे पहले फॉर्मुले को लिख लेंगे मीडियन इक्वल्स टू एल यहां पर हो गया हमारे पास प्लस यहां पर हो गया हमारे पास एच इन टू ये हो गया एन बाई टू माइनस सी एफ बाई हमने कर दिया यहां पर एफ बस इतना ही है ये अब हमें क्या फ़ाइंड करना है सबसे पहले एन बाई टू फाइंड करना है क्या फाइंड करना है एन बाई टू एन बाई टू कैसे फाइंड करेंगे एन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले और एन फाइंड करने के लिए हमें सी एफ में आना पड़ेगा तो यहाँ पर फोर्टी लिखा है इसको फोर्टी लिख दिया अब इसको इससे ऐड करो तो यहाँ पर आ गया सेवनटी टू इसको इससे ऐड किया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो और यहाँ पर हो गया हमारे पास एट फोर ट्वेल्व वन ट्वेंटी यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 142 और यहाँ पर हो गया 150 अब ये 150 हमें मिल गया ये जो 150 दिख रहा है ना ये 150 हमारा n है 150 हमारा n है तो n की जगह पे हमने 150 लिखा डिवाइड बाई टू कर दिया यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 75 75 हमें मिल गया n बाई टू अब देखो 75 फाइव किस में लाए करेगा क्या 40 में करेगा नहीं 40 तो छोटा है सेवेंटी टू ये भी छोटा है सेवेंटी फाइव से वन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी बड़ा है सेवेंटी फ़ाइव से तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके ऊपर वाला जो है सेवेंटी टू ये हमारा सी एफ है ठीक है इसके सामने वाली जो फ्रिक्वेंसी है ये हमारी एफ़ है ओके ये एफ़ हो गई और इसके सामने जो आपको क्लास दिख रही है ये इसका जो लोअर क्लास है वो एल जी हो गया मतलब कि हमारा जो एल है वो टू हंड्रेड है ठीक है जो एफ है वो है फोर्टी एट और हमारे पास जो सी एफ है वो है सेवेंटी टू और एच क्या हो गया क्लास का डिफरेंस जो कि हो गया हमारे पास हंड्रेड ये हो गया अब इसको उठाना है और इसमें पुट कर देना है बस हो गया तो यहाँ लिखा एल मतलब टू हंड्रेड प्लस और फिर यहाँ पर आ जाओ ये हो गया एच ये हो जाएगा हमारे पास हंड्रेड एन टू एन बाई टू हमें मिला है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव माइनस सी एफ जो कि है सेवेंटी टू और डिवाइड में आ जाएगा एफ़ एफ़ हमारे पास कितना है फोर्टी एट चलो इस पे आ जाओ यहाँ पर आ गया टू हंड्रेड प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा थ्री मिल जाएगा थ्री ठीक है थ्री से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं थ्री वन जी थ्री थ्री सिक्स ज़रा एट्टीन टू से कर दो इसे तो टू फिफ्टी चला जाएगा टू से करोगे एट फिर टू से कर दो तो यहाँ पर ट्वेंटी फ़ाइव यहाँ पर आ गया हमारे पास फ़ोर ये आ गया मतलब ट्वेंटी फाइव भाई हमें क्या मिल गया फ़ोर मिल गया ये हमको मिल चुका है अब हम लोग इसको फ़ोर से करें फोर फोर ज़ा ओके फोर फोर ज़ा सिक्सटीन ठीक है फ़ोर सिक्स जा ट्वेंटी फ़ोर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वन फोर टू ज़ा एट फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी तो यहाँ मिल गया हमें टू हंड्रेड सिक्स पॉइंट टू फाइव बस यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री का हमारा सोल्यूशन है ना कितना सिंपल तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी सॉल्व कर लिया अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर अब इस क्वेश्चन में भी हमें मीडियन ही फाइंड करना है देखो क्वेश्चन बार बार बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं ये बार बार यही कह रहा है कि मीडियन फाइंड करो तो यहाँ पर सीधे फॉर्मूला हमने लिख दिया इक्व हमने लिख दिया यहाँ पर एल प्लस यहाँ कर दिया हमने एच है, है ना और इन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n बाई टू माइनस सी एफ बाई ये हो गया एफ नीचे हमने कर दिया वॉट इट अब सबसे पहले हम लोग सी एफ़ को फाइंड करेंगे यहाँ पर फाइव लिखा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इलेवन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर थर्टी सिक्स फोर्टी वन 47 फोर्टी फाइव सेवन नाइन ये हमें मिल गया सी एफ़ हमने देखा लास्ट में हमें क्या मिला है फोर्टी नाइन मिला है यही हो गया हमारा एन फोर्टी नाइन अब एन बाई टू निकालने के लिए इसमें डिवाइड में टू कर दो यहाँ पर टू आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा टू टू जो फोर टू टू फोर जो एट टू फाइव जो टेन ये मिल गया ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ये एन बाई टू आया अब ये देखो ये आएगा किस में ये हमारा लाई करेगा ट्वेंटी सिक्स में आएगा इसके ऊपर वाला हो जाएगा हमारे पास सी एफ इसके सामने वाला हो जाएगा F और ये जो क्लास दिख रही है इसकी लोअर क्लास हो जाएगी 15 बस हमें सब कुछ मिल चुका है L मिल गया है 15 और यहाँ पर F हमको मिल चुका है ओके 15 ये भी 15 ये भी 15 ठीक है और फिर हमारे पास सी एफ मिल चुका है एलेवन ओके और फिर एच बचा एच मतलब डिफरेंस क्लास के बीच का जो कि है यहाँ पर फाइव सारी वैल्यू मिल गई उठाना है में पुट कर देना आंसर आ जाएगा चलो करते हैं ओके okay, तो यहाँ पर एल है हमारे पास फिफ्टीन प्लस एच हमारे पास है फ़ाइव इन टू एन बाई टू यहाँ पर हो गया ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव माइनस सी एफ़ सी एफ़ हमारे पास हो गया एलेवन डिवाइड में हो गया हमारे पास एफ़ जो कि है फिफ्टीन ये हो गया और इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया यहाँ पर आ गया हमारे पास फिफ्टीन प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास फाइव अब यहाँ पर आ जाओ तो फाइव थ्री इसको पहले हटा दो है ना? हमारे पास एच चाहिए था ठीक है इसको हटा देते हैं अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा एलेवन है और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास थर्टीन हाँ ठीक है थर्टीन पॉइंट फाइव आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास है थ्री ये आ गया अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिफ्टीन और थ्री फोर जा हो जाता है ट्वेल्व तो यहाँ पर लिखा हमने फ़ोर थ्री फोर जो ट्वेल्व और थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो 4.5 हमें मिल जाएगा इसको ऐड करो तो 19.5 हमें मिल गया यही हो गया हमारे पास इसका मीडियन तो क्वेश्चन नंबर फोर भी हमने कर लिया है यहाँ पर सॉल्व है ना कितना सिंपल कुछ भी नहीं है सारे क्वेश्चन में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्लास इवन है और कहा जा रहा है जनाब अब, अब इससे ना मीडियन फाइंड करो क्या फाइंड करो मीडियन तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से इसमें फॉर्मुला लिखेंगे मीडियन का जो कि हो जाएगा हमारे पास L प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास H इन टू सी एफ नहीं होगा N बाई टू माइनस सी एफ और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास F ये हो गया हमारा ठीक अब यहाँ पर सी एफ सबसे पहले निकालो ये हो गया फोर फाइव फोर नाइन और यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना ट्वेंटी टू ठीक है यहाँ पर फोर्टी टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 56 और यहाँ पर 61 और यहाँ पर हो गया 65 फाइव ओके ओके एक सेकंड सिक्स सिक्सटी थ्री हो गया यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर सिक्सटी सेवन हो गया ये आ गया सिक्सटी सेवन आ गया सिक्सटी सेवन हमारा क्या हुआ एन तो हमें एन मिल गया है सिक्सटी सेवन हमें एन बाई टू फाइन करना है तो एन बाई टू हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा टू थ्री जो टू थ्री जो सिक्स और टू फाइव जो टन मतलब कि थर्टी थ्री पॉइंट फाइव हमें एन मिल गया अब देखो थर्टी थ्री पॉइंट फाइव कहाँ लाई करेगा ये फोर्टी टू में लाई करेगा क्योंकि ट्वेंटी टू तो छोटा है फोर्टी टू में ही आएगा थ्री थर्टी थ्री पॉइंट फाइव तो इसके ऊपर वाला हो गया हमारे पास सी एफ ठीक अब फोर्टी टू के सामने देखो फ्रिक्वेंसी क्या दिख रही है एफ ये ट्वेंटी इसके सामने भाई क्लास का लोअर लिमिट हो गया मतलब लोअर क्लास हो गया वन टी फाइव बस सारी वैल्यू मिल चुकी एल इक्वल्स टू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एफ इक्वल्स टू ट्वेंटी सी एफ हमें यहाँ पर मिल चुका है ट्वेंटी टू और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है एल एफ सी एफ एन एन बाई टू तो मिल चुका है और भी कुछ बचा है एच एच मतलब क्लास के बीच का डिफरेंस डिफरेंस है यहाँ पर ट्वेंटी का ये हो गया हमारे पास ट्वेंटी ठीक है ओके अब सारी वैल्यू उठाना है फॉर्मला इमपुट कर दो आंसर आ गया बहुत सिंपल है यार बहुत ईजी है सारे क्वेश्चन तो एल हो गया 125 प्लस एच हो गया हमारे पास 20 इन टू एन बाई टू हमें मिल गया है 33.5 थ्री पॉइंट फाइव माइनस सी एफ सी एफ सी एफ कितना था 22 टू बाई एफ एफ हमारे पास कितना है 20 ये लो इससे ये कैंसिल हो गया अब इसको माइनस कर दो जो भी आए ऐड कर दो 125 इसको कर दोगे तो 11 आएगा तो यहाँ पे 11.5 इसको ऐड कर दो वन थ्री सिक्स पॉइंट फाइव ये हमें क्या मिल गया ये हमें मिल गया है मीडियन यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव का हमारा सोल्यूशन आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अगर कहीं भी कोई डाउट हो ना तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछ लेना अब आगे के जो क्वेश्चन है सिक्स से लेकर आगे तक के सारे क्वेश्चन वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में तब तक अपना ध्यान रखना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में